सो आप भी 12वीं पीसीबी यानी बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और आगे अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं तो सोचना छोड़ दें। आज के क्लास में हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। आज हम आपको बहुत सारे ऐसे फील्ड्स के बारे में बताएंगे जहां इन फ्यूचर आप अपना सिक्योर करियर बना सकते हैं। और यदि आप मैथ्स, आर्ट्स या कॉमर्स के वाले बच्चे हैं तो चिंता ना करें, उनके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। हमने आर्ट्स के लिए वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेक कर लें। सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर आलोक सर एंड वेलकम टू आवर चैनल हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल। बच्चों, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आपको दो चार चीजें ही बताई गई है, जैसे MBBS, BAMS, नर्सिंग या फिर हो BSc। तो बच्चों, इससे भी परे आप क्या क्या कर सकते हैं, आज के क्लास में हम बारीकी से चर्चा करेंगे और इन फील्ड्स को देखेंगे, उनके एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस्ट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बेस्ट इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए देखते हैं। पहला, पीसीबी के बाद यानी 12वीं यदि आपने बायोलॉजी के साथ क्लियर किया है तो आप आगे क्या कर सकते हैं। पहला फील्ड हम देखते हैं BAMS। इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। इसकी ड्यूरेशन यानी अवधि 5.6 साल, मतलब 5 साल 6 महीनों की होती है, जिसमें 4 साल 6 महीने क्लासरूम और 1 साल की इंटर्नशिप होगी। ठीक है, BAMS एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसका एम आयुर्वेदिक पद्धति से लोगों का इलाज करना होता है। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करें, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो 12वीं पीसीबी यानी बायोलॉजी से होना आपका जरूरी है। 12वीं में कम से कम 50% आपका होना जरूरी है। उम्र की बात करें तो मिनिमम आपका एज है वह 17 ईयर होना चाहिए। यदि उससे आपका एज कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं BAMS के लिए। ठीक है, आगे जाते हैं। एडमिशन प्रोसेस की हम बात करते हैं। BAMS में प्रवेश के लिए आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और उसी के रैंक के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा। आप नीट क्या होता है, नीट कब होता है, क्या क्या करना पड़ता है, सारी जानकारी के लिए हमने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देखिए, उस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए कि नीट है क्या, आप कैसे नीट क्लियर कर सकते हैं, कब क्या होता है, नीट के लिए कैसे आप तैयारी करें, सारी चीज़ें हमने उसमें बताई हुई है, जाकर उस वीडियो को भी देखिए। चलिए नीट का फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट के बारे में यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए, BAMS करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखते हैं। आप जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में खुद की क्लिनिक खोल सकते हैं। ठीक है, BAMS करने के बाद आप खुद का एक क्लिनिक खोल सकते हैं एज अ जनरल प्रैक्टिशनर। उसके बाद हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। थर्ड है एजुकेशन इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। उसके बाद है नर्सिंग इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हैं। तो इन सारे इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। टॉप रिक्रूटर कौन कौन से हैं जो आपको जॉब दे सकते हैं, तो पतंजलि आयुर्वेदा में आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाबर, काफ़ी नामी गिरानी कंपनियाँ हैं, हिमालया ड्रग्स इंडस्ट्री, झंडू पैरामेडिकल लिमिटेड, सूर्या हर्बल लिमिटेड, बैद्यनाथ एसेट्रा, ये सारे जो कंपनीज हैं यहाँ आप जॉब कर सकते हैं BAMS करने के बाद। चलिए अब आपको बताते हैं BAMS करने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी UP, ठीक है। उसके बाद है DY पाटिल यूनिवर्सिटी मुंबई। थर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जहां आप BAMS ले सकते हैं और नियर बाई अपने स्टेट में भी आपको BAMS की कॉलेजेस मिल जाएंगे, इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे, वहां पर भी आप जाकर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, तो छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए भी कुछ इंस्टीट्यूशन यहां पर मैं बता देता हूं।
तो देखिए, गवर्नमेंट एनपीए आयुर्वेदा कॉलेज जीई रोड रायपुर, यहाँ छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए 55 सीट अवेलेबल हैं बीएएमएस करने के लिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राम मनकी राजनांदगांव, यहाँ 60 सीट हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद है राजीव लोचन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंदखुरी दुर्ग, 60 सीट यहाँ भी हैं। तो ये रहे बीएएमएस के बारे में पूरी जानकारी। बीएएमएस के बाद अब बात करते हैं बीबीएससी, ये सेकंड ऑप्शन है पीसीबी वाले बच्चों के लिए। चलिए इसका फुल फॉर्म देखते हैं, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें भी कैरियर स्कोप है, इसमें आप जानवरों के डॉक्टर बनेंगे। इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इसमें 5 सालों का यह कोर्स होता है। जॉब की बात करें तो आप प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही जॉब पा सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए 2 से 5 लाख तक का कॉस्ट आता है। यह इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने फीस वहाँ पर लगेंगे, लेकिन 2 से 5 लाख तक के अंदर में आपका यह कोर्स हो जाता है। इस कोर्स के बाद आप डेयरी फार्म, एजुकेशनल फील्ड, फार्मासिस्ट कंपनी या गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट क्लिनिक आदि कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन है। काफ़ी सारे लोगों को पैट रखने का आजकल शौक है, और जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं वो तो होते ही हैं, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हैं। तो इसमें भी आप जाइए, एडमिशन लीजिए। चलिए एडमिशन के लिए क्या करना होता है उसके बारे में बताते हैं। इसमें भी आपको एडमिशन के लिए नीट का एग्ज़ाम देना होगा। बार बार दोस्तों देखिए, नीट बार बार आ रहा है, तो नीट क्या है इस बारे में जाकर जरूर इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा नीट। ठीक है, हम बेस्ट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, सेकंड देखिए खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस पंजाब, मद्रास वेटनरी कॉलेज। ठीक है, ये तीन हम टॉप इंस्टीट्यूशन आपको बता रहे हैं जो इंडिया के तीन हैं। आप अपने नियर बाय इंस्टीट्यूशन के बारे में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कॉलेज ऑफ एनिमल साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री अंजोरा दुर्ग, कामधेनु विश्वविद्यालय रायपुर, ये 2 इंस्टीट्यूशन छत्तीसगढ़ में है जहाँ पर आप बीबीएससी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन है, जाकर बिल्कुल इसको चेकआउट करें और एक बार सोचें कि आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, पीसीबी वाले बच्चों के लिए तीसरा करियर ऑप्शन मैं बताता हूँ, बीएचएमएस। इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। यह भी मेडिकल फील्ड में एक ग्रेजुएट प्रोग्राम है। आजकल यह स्ट्रीम काफी लोकप्रिय हो रहा है। योग्यता की बात करें तो 12वीं में पीसीबी और मिनिमम 50% आपका होना चाहिए 12वीं में। ड्यूरेशन की हम बात करें तो 5.5 साल इसमें लगेंगे, 4 साल 4 महीनों का इसमें एकेडमिक कोर्स है यानी क्लासरूम कोर्स है। उसके बाद 1 साल आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर 5.5 साल इसमें लगेंगे। ठीक है, इसे करने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन की हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज पुणे, पंडित खुशीलाल गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज भोपाल, ये 3 इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया जो इंडिया लेवल पे है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो पंडित दीनदयाल मेमोरियल हेल्थ साइंस एंड आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी रायपुर, सीएलसी मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, ये 2 इंस्टीट्यूशन है जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं छत्तीसगढ़ में हैं तो बीएचएमएस यहाँ भी आप अपना करियर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीडीएस। बीडीएस क्या चीज़ है उसके बारे में जानते हैं। इसे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, इससे आप दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन इसमें भी अब आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यह ग्रेजुएट कोर्स है, इसमें आप दांतों से जुड़ी बीमारियों की स्टडी करते हैं। ठीक है, एज लिमिट की हम बात करें तो इसमें भी मिनिमम आपको 17 ईयर होना जरूरी है, उससे कम है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अधिकतम एज की बात करें तो 25 इसमें रहता है। इसमें भी प्रवेश के लिए आपको नीट देना पड़ेगा। ड्यूरेशन की हम बात करते हैं तो यह 5 सालों का कोर्स है, 4 साल एकेडमिक और 1 साल इंटर्नशिप आपको करना पड़ेगा। आजकल कॉमन हो गया है और कंपलसरी हो गया है, जितने भी मेडिकल फील्ड है उसमें इंटर्नशिप 1 साल आपको करना ही पड़ता है। इस डिग्री के बाद आप सरकारी या निजी अस्पताल या स्वयं का भी क्लिनिक चला सकते हैं या मेडिकल कॉलेज में टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एज अ टीचर आप जॉब कर सकते हैं बीडीएस करने के बाद। बेस्ट इंस्टीट्यूशन की हम बात करें तो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली, सेकंड की बात करें तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, एंड
थर्ड है डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता। ये 3 बेस्ट इंस्टीट्यूशन हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जाकर चेकअप कर सकते हैं कितने सीट हैं, क्या है इसका प्रोसेस। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं, मैत्री कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड रिसर्च सेंट दुर्ग, एंड सेकंड है सीजी डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट राजनांदगांव, और थर्ड है न्यू हॉरिजॉन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बिलासपुर। ये 3 कॉलेज छत्तीसगढ़ के हैं। अब देखते हैं MBBS, ठीक है। काफ़ी लोग MBBS करना चाहते हैं, PCB वाले, तो आज हम MBBS के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो यह 5.5 सालों का कोर्स है, 4.5 साल मतलब 4 साल 5 महीने आपको एकेडमिक कोर्स करना पड़ेगा, मतलब क्लासरूम, और 1 साल का इंटर्नशिप, तो कुल मिलाकर 5.5 साल इसमें आपको लगने वाले हैं। यह एक ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो फिर वही सेम है, 17 साल मिनिमम एंड 25 ईयर मैक्सिमम, ठीक है। 17 साल से कम है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इस कोर्स को करने के लिए जरूरी योग्यताएं यानी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12वीं में आपका जो सब्जेक्ट है वह बायोलॉजी होना चाहिए। PCM वाले यदि आप हैं तो इसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते, और कम से कम 12वीं में आपके 50% होने चाहिए। हाँ, कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए यह आगे पीछे हो सकता है, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन 50% इसका क्राइटेरिया है। इस कोर्स में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम नीट देना होगा, उसी के रैंक के अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब MBBS के पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं, यानी क्या करिकुलम आपका होने वाला है MBBS यदि आप करते हैं। मेडिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स फार्मुलेशन, ह्यूमन एनाटॉमी, मेथड ऑफ सर्जरी आदि का अध्ययन आप MBBS में करेंगे। MBBS के बाद आप MD या MS भी कर सकते हैं, तो ये जो कोर्स है वह MBBS करने के बाद आप कर सकेंगे। उसके बाद देखते हैं इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूशन आप कहाँ से MBBS कर सकते हैं। तो पहला सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है इंडिया का, वह है एम्स दिल्ली, यहाँ से आप MBBS कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, यहाँ से भी आप MBBS कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वल्लोर तमिलनाडु, ठीक है, एंड लास्ट मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। 4 आपको हमने बेस्ट इंस्टीट्यूशन दे दिया है। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूशन हैं जिसके बारे में आप गूगल करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के बच्चे कहाँ से MBBS कर सकते हैं, तो पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज रायपुर, सेकंड है लेट बलीराम कश्यप मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज जगदलपुर, थर्ड है छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फोर्थ है CM मेडिकल कॉलेज भिलाई। तो ये 4 छत्तीसगढ़ के भी मैंने इंस्टीट्यूशन आपको बताया, आप यहाँ से MBBS कर सकते हैं। होप आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आगे हम आपके लिए और भी ज़रूरी यूजफुल वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए आगे कुछ और अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आपको क्या करना है और आप अपने कैरियर में काफ़ी अच्छे से स्टेबल हो सकें। चलिए आगे देखते हैं, यदि आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो 12वीं के बाद आप और क्या आप कर सकते हैं, तो BSc नर्सिंग आप कर सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, BSc नर्सिंग में काफ़ी लोग जाते ही होंगे। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारियां हम ले लेते हैं। BSc नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, बेसिकली इसका उद्देश्य एक टैलेंटेड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ तैयार करना है। आप जानते ही हैं मेडिकल फील्ड में नर्सिंग स्टाफ की क्या इम्पोर्टेंस रहती है, तो ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ हर मेडिकल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल्स का एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो मिनिमम 12th में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, 12वीं में आपका विषय PCB यानी बायोलॉजी होना चाहिए, मिनिमम एज 17 ईयर है, ये लगातार जारी है, 17 ईयर आपका मिनिमम होना चाहिए। यह 2 प्रकार से होता है, पहले इसके प्रकार हम जान लेते हैं। पहला है बेसिक BSc नर्सिंग, यह 4 सालों का होता है, इसके लिए आपको 12वीं में 50% लाना कंपलसरी है और बायो विषय होना भी। उसके बाद सेकंड है BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 ईयर का, यह 2 साल का होता है, इसे करने के लिए 12वीं के साथ साथ आपको ANM या GNM यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की योग्यता होना चाहिए, ठीक है, तब आप 2 साल का यह कोर्स कर पाएंगे।
तो आप इंस्टीट्यूशन, हम बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करें तो जानते हैं एम्स दिल्ली से आप नर्सिंग कर सकते हैं। सेकंड है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। तीसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन तीनों जगहों से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो एम्स रायपुर से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसके अलावा रिम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रायपुर, यहाँ से आप नर्सिंग कर सकते हैं। अगला जो कोर्स है उसके हम बात करते हैं BMLT। इसका फुल फॉर्म है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इट्स एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ड्यूरेशन की हम बात करें तो यह 3 सालों का होता है। यह एक पैरामेडिकल कोर्स है जिसका भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में डिमांड है। चलिए देखते हैं, 12वीं में 50% बायो सब्जेक्ट के साथ आपका होना चाहिए, ठीक है। जॉब पोजीशन हम देखते हैं बीएमएलटी करने के बाद तो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, लेबोरेटरी मैनेजर, कंसल्टेंट सुपरवाइजर, हेल्थ केयर एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। इसके लिए टॉप इंस्टीट्यूशन की हम बात करें तो पीके यूनिवर्सिटी एमपी शिवपुरी, माधव यूनिवर्सिटी सिरोही राजस्थान, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, इसके अलावा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी, यहां से आप BMLT कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में ये सब होने जरूरी है मशीन को ऑपरेट करने के लिए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है मेडिकल डिपार्टमेंट का। तो BMLT में करियर के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, तो इसको भी आप ज़रूर चेकआउट करें। उसके बाद हम लास्ट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं BOPTM, यानी इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। यह कोर्स 4 सालों का होता है, 3 सालों का क्लासरूम कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप। योग्यता की हम बात करें तो 12वीं बायो में 50% आपका होना चाहिए, आयु 17 साल होना चाहिए। इस कोर्स में आप आंखों के डॉक्टर बनेंगे, आई डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। टॉप इंस्टीट्यूशन की हम इसके लिए बात करते हैं तो एम्स दिल्ली से आप यह कर सकते हैं, और उसके अलावा आप निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर, और तीसरा है श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज चेन्नई। तो इन सभी जगहों से आप BOPTM यानी बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री का कोर्स कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छे स्कोप हैं, और ये सब के अलावा आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो MBA भी आप कर सकते हैं, आप LLB कर सकते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी हैं, और हमारे बाकी वीडियोस भी आप जरूर देखें। नीट के बारे में मैंने आपको बताया कि नीट की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप जाकर जरूर देखें। कॉमर्स और PCM वाले स्टूडेंट्स के लिए हम जैसे ही वीडियो बनाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, तो लिंक वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।